अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों में काउंसिल इलेक्शन चल रहा है, जिसकी कैंपेनिंग के लिए कई पार्टियों ने बड़े बड़े लीडरों को उतारे हैं ताकि उनकी पार्टी को कामयाबी हासिल हो। इसी दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महाराष्ट्र के सैयद मोइन को भी निजामबाद में भेजा गया था और कई AIMIM के MLA लगातार सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन निजामबाद में वहाँ के मुकामी मुसलमानों की जानिब से सैयद मोइन को वापस जाने की हिदायत दी। वहाँ के कुछ लोगों ने AIMIM पर इल्जाम लगाया कि वो मुसलमानों का कोई भला नहीं किए हैं, अब वोट मांगने क्यों आए हैं। 5 साल में एक बार AIMIM के लोग यहाँ पर नजर आते हैं, उसके बाद फिर वापस नहीं देखते कि मुसलमानों के क्या हालत हो रहे हैं। सिर्फ मुसलमान पर वोट लेना ये पार्टी जानती है, लेकिन प्रैक्टिकल में पूरी तरह से इसका चेहरा अलग है। बहरहाल, यहाँ के लोगों ने ये इल्जाम लगाते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद मजबूरन सैयद मोइन को वापस जाना पड़ा। आखिर ये हालत क्यों पैदा हो रहे हैं? AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को सोचना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि अब वो अवाम नहीं है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ बातें करके खुश कर सकते हैं। अवाम का मिजाज बदल चुका है, अवाम बदलते हालत को देख रही है, बदलते मुल्क को देख रही है, की सच्ची तस्वीर को देख रही है। अब हमें बातों से काम लेने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है, ताकि अवाम फिर से आप पर इत्मीनान रखें और फिर से आपको कामयाब करें। मोहम्मद मोहसिन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। क्या सूरत लेके रहेंगे? क्या हुआ कि चल जा रहे? हेलो भाई, मोहन भाई, बस्ती उठी थी भाई, थोड़ा पाँच मिनट बात करेंगे। हेलो, जरा रुकते हैं कि हेलो, क्या हुआ मुसलमानों के हमदर्द? इधर रुको, हेलो, चले जा रहे।